नमस्कार, भट न्यूज खबर पटना से है। पटना के संत शिरोमणि रविदास की जीवनी पर आधारित रविदास की अमर कहानी फिल्म का प्रमोशन किया गया, जिसमें मुख्य कलाकार संदीप मोहन, हेमंत पांडे, निर्माता गीता पोपली, परमानंद पोपली ने कहा कि यह फिल्म संत रविदास की जीवनी पर आधारित 650 साल पहले ही लिखी गई है। निर्माता परमानंद पोपली ने कहा कि संत रविदास जब उनका जन्म बनारस में हुआ था तो उस समय हमारे समाज में कई तरह की सामाजिक कुरीतियां, छुआछूत, भेदभाव घोर रूप से व्याप्त थी। यह फिल्म 7 फरवरी 2020 को देश में 300 से अधिक सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। बड़ी खुशी की बात है, घर परिवार से दूर प्रमोशन पर आए हैं दादा। हम सब की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड दादा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हेमंत दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़ा सा दादा ये बस आप लोग भी इसका आनंद लीजिए, आप सब आनंद लीजिए। पारिवारिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर युवा को मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। आप बड़ी बड़ी कवरेज करते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों की कवरेज करते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं की कवरेज करते हैं, बड़े बड़े नेताओं की कवरेज करते हैं, और मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हरिद्वार की उत्तराखंड की धरती से आकर, और ये सब लोग हमारे साथ में बॉम्बे से हैं, उत्तराखंड की धरती से आकर आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है ये आप लोगों के माध्यम से ऐसा संदेश जाना चाहिए कि ये हर युवा वर्ग को जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म, क्योंकि आज ऐसी ऐसी फिल्में आ रही हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट 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 आज की जिंदगी है मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, वो भी कभी कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को समझने की जरूरत है, वो भी कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को देखने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि संत के नाम से या किसी उस नाम से लोग ये सोचते हैं कि ये डिवोशनल फिल्म होगी, वो देखने का प्रयास ही नहीं करते देखने जाने का, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा और आपको भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी युवाओं को खास तौर से ये मैसेज फैलाइए युवाओं में कि वो इस फिल्म को देखने जरूर जाएं और अपने दोस्तों को भी ले जाएं, अपने परिवार को भी लेके जाएं, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। ये आपको 30 साल पुरानी याद दिलाएगी। 30 साल पहले जो फिल्में आया करती थी जिसमें हर सीन में एक संदेश हुआ करता था, ये आपको वो याद दिलाएगी। ये आपको गंगा मैया की याद दिलाएगी। इसमें गंगा मैया के 2 गाने हैं गंगा माता के, ये आपको वो याद दिलाएगी। ये आपको वो याद दिलाएगी जो संत रविदास जी ने आज से 650 साल पहले कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये रविदास जी का वाक्य है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मेरी आप सबसे ये निवेदन है, मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप इस मैसेज को अपने जरिए सब लोगों तक ये जरूर फैलाइए कि इस फिल्म को अवश्य देखने जाएं, ताकि सब अपने नैतिक जीवन के नैतिक और अपने आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा